हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक लॉगिन मॉड्यूल यूजिंग ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क, यानी कि ASP.NET C# विथ MVC पैटर्न पे हम अपना एक जो लॉगिन मॉड्यूल है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में से यूजर नेम एंड पासवर्ड को फेच करा के कैसे हम डेटा को सक्सेसफुली जो यूज़र है उसको लॉगिन करा पाते हैं। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो पे एंड पूरा जो लॉगिन मॉड्यूल है उसको देखते हैं। तो हमें अपने विजुअल स्टूडियो पे आ जाना है एंड यहाँ पे एक हमें जो नया प्रोजेक्ट्स है वो ले लेना है। यहाँ पे हमें क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे जो भी टेम्पलेट ओपन हो गए वहाँ पे आपको ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप नया प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं वो भी MVC पैटर्न पे, तो आपको यही फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट्स का नेम आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। हम यहाँ पे जो लॉगिन मॉड्यूल, ओके, लॉगिन मॉड्यूल _MVC जो हमारा प्रोजेक्ट्स का नेम है वो लिख लेते थे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप ड्राइव पे आप लोकेशन अपना सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको कर देना एंड यहाँ पे सॉल्यूशन का नेम आप जो भी रखना चाहते हो रख देना। यहाँ पे आपको जो .NET का जो फ्रेमवर्क है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क होगा वही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट वाला बटन है उस पर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्टी पे क्लिक रखना है एंड यहाँ से जो 3 जो चेकबॉक्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको MVC वाला जो चेकबॉक्स है वहाँ पे क्लिक रख देना है एंड यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा जो लॉगिन मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे शो हो रहा है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे MVC पैटर्न पे पूरा प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो हम एक यहाँ पे एक SQL का जो डेटाबेस है वो भी रख देते हैं क्योंकि हमें डेटाबेस में से डेटा को फेच कराना है। तो यहाँ पे एक SQL डेटाबेस को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉगिन मॉड्यूल है वहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो ऐड वाला सेक्शन है वहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे जो न्यू आइटम है वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यू ऐड न्यू आइटम का जो फॉर्म है वो दिखेगा। वहाँ पे आपको डेटा वाला सेक्शन है वहाँ पे क्लिक रखना है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरे माउस की कर्सर है उसके बाद हमें जो SQL सर्वर डेटाबेस जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट रख देना है एंड यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है उसको रीनेम कर देना है। यहाँ पे हमें डेटा लॉगिन, ओके, ये हम डेटाबेस का नेम रख देते हैं एंड यहाँ पे जो ऐड वाला जो बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपको जो बॉक्स दिखेगा वहां पे आपको यस पे क्लिक रखना है। यहाँ पे देखिए दो ASP.NET में हमारा जो डेटा लॉगिन वाला जो डेटाबेस की फाइल है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे भी देख सकते हैं एंड जो लेफ्ट साइड सर्वर एक्सप्लोरर वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे देखिए एक बटन दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डेटाबेस की जो फाइलें हैं टेबल्स है व्यूस है वो सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टेबल वाले सेक्शन पे आ जाना है एंड टेबल वाले सेक्शन पे आपको बटन की जो माउस की क्लिक करके राइट क्लिक करना है एंड जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड न्यू टेबल का ऑप्शन मिलेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एड न्यू टेबल उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमें एक जो टेबल है डेटाबेस टेबल है उसको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्वेरी का यूज करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो TBL लॉगिन, ओके, TBL लॉगिन हमारा जो टेबल का नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक दे देते हैं यूजर नेम, एक फील्ड ले लेते हैं हम यूजर नेम का, ओके, यूजर नेम। उसके बाद यहाँ पे उसकी डेटा टाइप दे देते हैं एनवायरकेर, साइज भी दे देते हैं यहाँ पे 30। उसके बाद जो कंस्टेंट है और नॉट लर्न रख देते हैं। उसके बाद एक सेकंड फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम जितनी आवश्यकता है उतने फील्ड लेंगे। यहाँ पे एक लिख देते हैं पास, ओके। उसके बाद डेटा टाइप एनवायर कर दे देते हैं। उसके बाद उसकी साइज है वो 15 रख देते हैं एंड जो कंस्टेंट है उसको नॉट नल को सिलेक्ट कर लेते हैं या तो हम टाइप कर देते हैं एंड लास्ट में सेमी कॉलन है वो लगा देनी है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे जो अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मेरे माउस की कर्सल है टॉप साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट का एक जो बटन दिख रहा है वहाँ पे आपको सिंपल सा माउस की कर्सल से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक और जो डायलॉग बॉक्स है वो शो होगा, जहाँ पे आपको प्रीवियस डेटाबेस अपडेट का एक जो डायलॉग बॉक्स होगा वो आपके सामने शो होगा। वहाँ पे आपको तीन और ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको जो जो मिडल वाला ऑप्शन है अपडेट डेटाबेस पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जो अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग होगा, उसके बाद जो डेटाबेस टेबल में है उसको टेबल है वो नया क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। यहाँ पे देखे प्रोसेस हुई, उसके बाद यहाँ पे हो गया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस टेबल से और नया क्रिएट हो गया है या नहीं। तो हम यहाँ पे जो टेबल वाला ऑप्शन है जो सर्वर एक्सप्लोरर पे, वहाँ पे उसको राइट क्लिक करते हैं एंड रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जो नया टेबल क्रिएट हो चुका है, एंड वहाँ पे जो दो फील्ड है वो भी शो हो रहे हैं, एक है यूजर नेम का, सेकंड वन है वो पासवर्ड का। उसके बाद दोस्तों अब हमें जो डिजाइनिंग है वो बना लेनी है। यहाँ पे दोस्तों हम एक जो पूरा प्रोजेक्ट की तरह डिजाइनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो व्यू वाला सेक्शन है वहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे हम एक और जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि लेआउट पेज के लिए। तो व्यूज वाला जो मेन्यू वहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो ऐड वाला जो बटन जो सेक्शन है वहाँ पे क्लिक कर रखना है, एंड यहाँ पे एक न्यू फोल्डर है उसको क्रिएट कर लेते हैं, उसका नेम दे देते हैं शेड। उसके बाद जो शेड वाला जो फोल्डर है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड हम यहाँ एक जो लेआउट पेज है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक जो लेआउट पेज है वो बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो लेआउट पेज का नेम आप जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो सिंपल ASP.NET पे जो हमारा जो मास्टर पेज था वैसा ही यहाँ पे हमें एक जो लेआउट पेज उसकी तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ पे हम एक जो हेडर सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक एडर सेक्शन को, यह रहा हमारा एडर सेक्शन। यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ टेक्स्ट है उसको, एडर विथ लॉग इन फाइल, लॉग इन फॉर्म। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो रेंडर बॉडी का फंक्शन है, जहाँ पे हमारा जो सिंपल ASP.NET पे या उसकी तरह जो कंटेंट प्लेस होल्डर था तो उसी की तरह यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि जहाँ पे रेंडर बॉडी फंक्शन कॉल करेगा वहाँ पे आपका जो कंटेंट पेज जो व्यू बनेगा वो वहाँ पे रन होगा। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं फुटर टैग को, उसके बाद यहाँ पे जो कुछ कंटेंट है उसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉपीराइट। ओके, उसके बाय जयेश आहिर। ओके दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पे जो एक व्यू है उसको क्रिएट करना है। तो उससे पहले हमें एक जो कंट्रोलर की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे एक जो कंट्रोलर है उसको ऐड कर लेते हैं। तो कंट्रोलर वाले वाले जो फोल्डर है वहाँ पे आ जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है, एंड ऐड वाले सेक्शन पे आना है, एंड वहाँ से डायरेक्टली जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको जो कंट्रोलर का, तो उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने तीन और ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, उसको आपको सिलेक्ट रखना है, एंड यहाँ पे जो ऐड वाला सेक्शन है बटन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर का नाम डिफॉल्ट कंट्रोलर मिलेगा, तो उसकी जगह पे आप जो भी कंट्रोलर का नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे जो होम कंट्रोलर का नेम रख देते हैं, एंड ऐड वाला जो यहाँ पे बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ओम नाम का जो कंट्रोलर है वो ऐड हो चुका है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक जो यहाँ पे हमने व्यूज क्रिएट कर लिया जो लेआउट पेज का, उसके बाद हमने एक कंट्रोलर ओम नाम का क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे जो जो हमने डेटाबेस बनाया था तो उसका एक मॉडल है वो ऐड कर लेते हैं। तो हमें ADO.NET का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मॉडल वाला जो फोल्डर आपको मिलेगा वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आपको सिंपल सा राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको एड वाले सेक्शन पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ADO.NET Entity Data Model। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट वाला जो ऑप्शन है ADO.NET Entity जो डेटा मॉडल, उस पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको मॉडल का नेम दे देना है। हम यहाँ पे लॉगिन मॉडल्स नाम दे देते हैं, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं।
मॉड्यूल। ओके दोस्तों, लॉगिन मॉड्यूल नेम देते थे एंड ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और जो फोर्थ ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट रखना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जो ड्रॉप डाउन मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करके जो यहाँ पे आपने जो भी न्यू आपका जो डेटाबेस था उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो एंटिटी फ्रेमवर्क का जो भी वर्जन आप यूज करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट रखना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी टेबल्स को ऐड करना चाहते हैं अपने जो क्लास में तो उसको यहाँ पे आपको चेक रखना है एंड यहाँ पे आपको फिनिश वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो मॉडल्स है उसके क्लास है वो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जितने भी टेबल्स होंगे उसका जो डायग्राम है वो शो हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो मॉडल वाले फोल्डर है वहाँ पे देखिए हमारा जो TBL जो लॉगिन डॉट सी एस नाम का जो क्लास है वो बाई डिफॉल्ट बन चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कंट्रोलर से वहाँ पे कुछ जो एडर फाइल्स है उसको ऐड कर लेने हैं तो हमने मॉडल ऐड किया है तो हम पहले वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं यूजिंग यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा, उसके बाद नेक्स्ट फाइल रहेगी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी। उसके बाद हमने क्योंकि हमने मॉडल्स को ऐड किया है तो यहाँ पे यूजिंग, उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट्स है वही डॉट मॉडल्स। ओके, उसके बाद हमें जो डिजाइनिंग है हमारा जो पेज है जो लॉगिन पेज है उसकी डिजाइनिंग है वो हमें बनानी है। तो यहाँ पे हमारी बाय डिफॉल्ट हमें इंडेक्स मेथड मिले है तो उसका मुद का नेम है उसको चेंज कर देते हैं, नेम हम उसका लॉगिन रख देते हैं एंड जैसे ही हमें इसका जो कंटेंट पेज क्रिएट करना है यानी कि व्यूज को क्रिएट करना है तो जो भी मेथड है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एड व्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे MVC5 व्यू को सिलेक्ट रखना है एंड यहाँ पे जो एड वाला जो बटन है वहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो व्यू नेम है जो भी आपका मेथड का नेम होगा वो सेम नेम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आप टेम्पलेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको और जो एडिट है और जो डिलीट है अपडेट है तो यहाँ पे हमें एम्प्टी विदाउट मॉडल को सिलेक्ट रखना है एंड यहाँ पे हमारा जो लेआउट पेज हमने बनाया था तो उसकी लिंक है उसको यहाँ पे दे देने हैं। तो यहाँ पे शेड वाला फोल्डर, उसके बाद लेआउट पेज पे क्लिक रखना है एंड ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो एड वाला जो बटन मिल रहा है तो वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो हमें यहाँ पे लॉगिन पेज की जो डिज़ाइन है वो हमें बनानी है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट जो एडर फाइल है क्योंकि यहाँ पे मॉडल का जो लिंक है वो हमें देना होगा तो फर्स्ट यहाँ पे मॉडल, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स का नेम है वही, उसके बाद मॉडल एंड जो भी डेटाबेस टेबल है तो उसकी लिंक यहाँ पे दे देते हैं। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे डिजाइनिंग बनानी है जो लॉगिन पेज की। तो हमने डिजाइनिंग की जो हमने एक HTML का जो लॉगिन फॉर्म पहले से ही उसका कोड लिया हुआ है तो उस कोड को ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, उसका कोड यहाँ पे देखे जो पूरा कोड है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ये जो कोड है लॉगिन का उसको कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है क्योंकि जो यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे उसकी वजह से हमने यहाँ पे जो HTML का एक जो लॉगिन फॉर्म है वो ले लिया है। तो हमें इसमें चेंजेस क्या करना है कि दोस्तों हमें यहाँ पे जो इनपुट टैग है तो हम यहाँ पे edio.net का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो इनपुट टैग है उसको रिमूव कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो HTML हेल्पर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे @HTML जो टेक्स्ट बॉक्स फॉर। ओके, उसके बाद यहाँ पे मॉडल इक्वल टू मॉडल डॉट यहाँ पे जो जो भी नेम यहाँ पे आप यूजर नेम। ओके दोस्तों,
तो ये हो गया हमारा जो इजर्नेम का जो टेक्स्ट बुक्स था दोस्तों। यहाँ पे हमने HTML जो हेल्पर है उनका यूज़ किया। उसके बाद एक जो पासवर्ड का रहेगा तो पासवर्ड के लिए भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे HTML डॉट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फॉर ओके। उसके बाद यहाँ पे मॉडल मॉडल डॉट जो पासवर्ड की जो लिंक है वही ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने HTML हेल्पर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने एक जो पोस्ट वाला जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लिया है ओके। उसके बाद यहाँ पे जो सेव वाला बटन है वहाँ पे हमें प्रेस कर देना है और प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब हमें उसकी जो पोस्ट मेथड है वो बनानी है। तो पोस्ट मेथड कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे जो ओम कंट्रोलर है वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये थी हमारी गेट वाली मेथड। उसके बाद हमें इसकी पोस्ट मेथड है वो क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पब्लिक, उसके बाद उससे पहले यहाँ पे HTTP पोस्ट ओके। तो ये वाली रहेगी हमारी, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का हम यूज कर रहे हैं, एक्शन रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे सेम नेम एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट यानी कि डिफरेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे रहेगा TBL लॉगिन डॉट R1, जो भी आप पैरामीटर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं ओके दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न व्यूज को करा देते हैं ताकि यहाँ पे जो एरर्स है वो चली जाए। उसके बाद यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड पे हमें पूरा जो लॉगिन का जो कोड है, कैसे हम डेटाबेस डेटा में जो डेटा को फेच कराएंगे, तो वो पूरा कोडिंग है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटिटी है उसको हम ले लेते हैं। तो जो भी एंटिटी है यहाँ पे हमने, तो डेटा, देखिए दोस्तों आप टाइप करेंगे तो जो भी आपने डेटाबेस का नेम दिया था तो उसके अनुरूप आपकी जो एंटिटी है वो आ जाएगी यहाँ पे, देखिए जो डेटा लॉगिन एंटिटी ओके। उसके बाद DB उसका एक वेरिएबल दे देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे न्यू डेटा लॉगिन एंटिटीज ओके, लास्ट में डबल इन में जो काउंट है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो मॉडल स्टेट है उसको ले लेना है, यहाँ पे मॉडल स्टेट इज वैलिड ओके दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे जो मॉडल स्टेट है उसको क्लोज भी कराना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मॉडल स्टेट बाद में हमें याद रहे या ना रहे उसलिए हम यहाँ पे उसको क्लियर करा देते हैं पहले से ही, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है उसको हमें क्लियर जो क्लियर है वो करना ही पड़ेगा ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कैसे हमें जो डेटाबेस में जो डेटा है यूजर नेम पासवर्ड उसको फेच कराना है, तो यहाँ पे हम एक जो वेरिएबल ले लेते हैं ओके, उसका कोई भी आप नेम है वो दे सकते हैं। एंड यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू, एंड जो भी आप यहाँ पे नेम देना चाहते हैं DB। उसके बाद जो आपका टेबल्स का नेम रहेगा वही रहेगा यहाँ पे लॉगिन। उसके बाद यहाँ पे जो वेयर क्वेरी का हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पे हमें जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे ए ए डॉट जो आपका जो यूजर नेम होगा तो यहाँ पे रहेगा यूजर नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल्स को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे आपने जो फिर जो हमने वेरिएबल लिया था यहाँ पे टेबल्स का R1 पैरामीटर जो हमने लिया था उसको, उसके बाद यहाँ पे जो जो भी आपका जो फील्ड है यूजर नेम उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है ओके दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डबल जो काउंट है वो कंप्लीटली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटू इंटू एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से ए डॉट जो पासवर्ड का फील्ड था वही पास। उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर नेम आपका रहेगा R1 डॉट जो पास था वही, एंड आपको यहाँ पे इक्वल्स है उसको रख देना है, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा इक्वल्स को रखना पड़ेगा यहाँ पे ई डॉट पास डॉट इक्वल्स ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट है वहाँ पे जो क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा फर्स्ट वो डिफॉल्ट से उसको बाद में रखना पड़ेगा डायरेक्टली डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट ओके दोस्तों। उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन रहेगा, एंड आपको एक और जो इफ कंडीशन है वो ले लेनी है यहाँ पे इफ। उसके बाद लॉग नॉट इक्वल टू नल रहेगा यहाँ पे,
उसके बाद यहाँ पे हमें रिटर्न रिटर्न क्या करना पड़ेगा, तो रिडायरेक्ट टू एक्शन, जो भी पेज को हम कॉल कराना चाहते हैं तो रिडायरेक्ट टू एक्शन रहेगा। ओके, तो रिडायरेक्ट टू एक्शन जो भी आप नेक्स्ट मेथड है वो रखना चाहते हैं तो उसको रखना है। तो हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पे हम जो इंडेक्स मेथड रख देते हैं, हम एक न्यू एक जो इंडेक्स मेथड है उसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लॉगिन का जो पूरा कोड है, लॉगिन सेक्शन का, वो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। तो हमें यहाँ पे लास्ट में जो सेमी कॉलन करना है ताकि सारे एरर से वो हट जाए, उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड एक हम जो नेक्स्ट जो इंडेक्स नाम की जो मेथड है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो गेट मेथड है उसको क्रिएट कर लेनी है। तो हम एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक, यहाँ उसके बाद यहाँ पे एक्शन रिजल्ट एंड यहाँ पे इंडेक्स मेथड। ओके दोस्तों, उसके बाद रिटर्न व्यू, रिटर्न क्या कराएंगे हम व्यूज को, उसके बाद हमें यहाँ पे जो मेथड है उसका एक व्यू क्रिएट करना होगा। तो इंडेक्स वाले मेथड है उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड व्यू वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड MVC5 व्यूज पे आएंगे, यहाँ पे ऐड वाले सेक्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे फिर से ऐड वाले सेक्शन पे आएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स का एक जो व्यू है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट दे देते हैं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे H1 टैग दे देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसफुली लॉग इन। ओके, क्योंकि हमें पता चल सके जब भी हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाए कि कैसे हमें यहाँ पे वर्क है वो करता है एंड सक्सेसफुली कोडिंग वर्क करता है। तो हमें फिर से यहाँ पे जो लॉगिन वाले जो मेथड है जो फॉर्म से वहाँ पे आ जाना है यहाँ पे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स को रन करके चेक कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे डेटाबेस का डेटा फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं।